आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी, सही खबर सबके लिए। जैसा कि हमारे चैनल का तरीका रहा है, अलग अलग वक्तों में अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग शख्सियात से तमाम दर्शकों को रूबरू करवाना और उनके ताल्लुक से जानना, ठीक इसी तरीके से आज मैं इस वक्त महाराष्ट्र प्रदेश के पालघर जिला के अंदर नाला सुपारा के वाकनपाड़ा में मौजूद हूँ। और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के ताल्लुक से दो शब्द मैं उनसे बुलवाना चाहता हूँ। बहुत अजीम शख्सियत है जिनका नाम सलीम आर खान साहब है, जो शेर रजा एकेडमी के फाउंडर हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों के अंदर और लोकल लोगों में काफ़ी ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। तमाम गरीब लोग इनको मसीहा समझते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर इनके अंदर ऐसी बातें होगी, लोगों का लगाव, सामाजिक इनके कारनामे और लोगों के साथ इनके व्यवहार जो हैं कैसे हैं ये आप सभी जानते हैं। मैं तमाम दर्शकों से उनके रूबरू करवाने जा रहा हूं और अपने चैनल के ताल्लुक से उनसे दो शब्द कहलवाना चाहता हूं। सर, दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल, जिसको डीबीएस टीवी महाराष्ट्र स्टेट से प्रस्तुत किया जाता है, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के ताल्लुक से दो शब्द कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने मेरा तारुफ दिया और आपने बताया मेरे बारे में, हालांकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, बस अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए अपने हबीब के सदके में। और जो खिदमत खल्क करने का मौका हम लोगों को मिलता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो पूरी टीम है शेर रजा एकेडमी की हो या राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन की हो, जितना हम लोगों से हुआ और हम लोग कोशिश करते रहते हैं करने की। और मैं आज जो आपका चैनल है डीबीएस टीवी, मैं आज इस मौके पर आज जो आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात करके आपकी पूरी टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को मैं बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ और यही बोल के मैं अपने आपको रोकता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत इनका शुक्रिया शेर रजा एकेडमी के फाउंडर सलीम आर खान साहब का कि उन्होंने डीबीएस टीवी को, पूरी टीम को इन्होंने मुबारकबाद पेश किया है। तो आप सभी दर्शक जो अब तक डीबीएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। मैं कैमरामैन मुकेश अरोड़ा के साथ पालघर महाराष्ट्र से एम एम बरकाती आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलीम आर खान साहब, जिनकी शख्सियत काबिले तारुफ है लेकिन मोहताज नहीं है किसी तारुफ की, जिस तरीके से इनका चर्चा चलते रहता है, हमारे साथ इनके ताल्लुक से बातचीत करने के लिए सीधे हम चलते हैं वैस बरकाती साहब के पास, जो भी एक माने जाने समाज सेवक हैं। उनसे जानते हैं कि कब से किस तरीके से इनको जानते हैं और उनके काम करने की जो शैली है वो किस तरीके से आखिर है कि लोग इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना रहता है। पहले बात तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके बहुत बेहतरीन चैनल को। सलीम आर खान साहब से मेरा मुलाकात तकरीबन 8 से 9 साल पहले की दोस्ती हमारी, लेकिन हम लोग ज़्यादा करीब कोरोना काल में हुए। 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अनाउंसमेंट करते हैं जो है टोटल फुल लॉकडाउन का, 22 मार्च 2020 को। तभी से नफसी नफसी का आलम हो गया। लोग जो दिहाड़ी मजदूर थे, रेवड़ी वाले थे, छोटे मोटे कारोबार करने वाले थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नौकरी करके महीने भर पालन पोषण करते थे, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, ऐसा तमाम कम्युनिटी के लोग थे जो अचानक इनके पैर से ज़मीन निकल गई, जिनको खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में सलीम खान साहब और हमारे कई अजीज़ दोस्तों ने पर्सनल अपने पॉकेट से कई लोगों की मदद किए, चाहे वो शाम सुबह का खाना वितरण हो लोगों की, या फिर राशन के ताल्लुकात से हो, राशन पहुंचाने का काम हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भयभीत के, बिना कोई मुफाद के, ना जात ना पर प्रांति, जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको बढ़ चढ़ के
हिस्सा लिया, इनका अपना एनजीओ अपना फाउंडेशन है, उसके लेवल के तहत ये इन्होंने इनके कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समाज में ये खूबसूरत संदेश दिया। ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना समाज, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई कैबिनेट की तरफ से ये टाइम आदमी आदमी के काम आए, बस इखलाक इंसानियत के तौर पे शाहरुख भाई, सलीम खान साहब जैसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक इंसानियत मानवता की ये खूबसूरत मिसाल पेश की है ऐसे करोना काल में, जहां लोगों को फाके की नौबत आई, ये अपने जेबों से कंट्रीब्यूशन करके लोगों की सहायता किए। और यही ऐसे ही नहीं, ऐसे कई वक्त पढ़ते हैं जो सलीम आर साहब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी बच्चे का फीस के ताल्लुकात हो कि अगर बच्चा काबिल है और फीस की वजह से अगर एजुकेशन नहीं हो पा रही है तो अपने समाज, अपने एनजीओ के माध्यम से पर्सनल अपने पॉकेट से ऐसे लोगों की मदद करते हैं, बेवा हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, तो ऐसे काम करते रहते हैं बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के, बिल्कुल खिदमत खल की तरफ पूरी तरह से जो है मुतमईन है और एक पूरी तरह से अल्लाह रसूल के वास्ते काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खिदमत खल ही ये इबादतों में शुमार है, तो हमारा और हमारा इस्लाम और हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम जो है सबसे पहले जो छोटे छोटे चीज है वो हम इस्लाम का परिचय देते हुए लोगों की खिदमत करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। और सलीम भाई हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंशाल्लाह कभी भी कोई भी इनके दरवाजे पे जाता है तो अपना 100% देते हैं, मायूस नहीं करते।